ये 85 की है। 85 पर पीस जबरदस्त हो गया। देखें जी कितनी मेहनत करनी पड़े अगर ये ना 165, 185 दायर है, जितना ज़्यादा रिटर्न वर्क होगा तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल रहे हैं जबरदस्त से। ये डोरी होती है जैसे मकरामा डोरी होती है, ये फैंसी डोरी होती है सिल्की में। ये स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स यूज कर सकते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं रिबन के या क्या हो तो उनके अंदर हम यूज कर सकते हैं जी। ये छोटे आइसक्रीम स्टिक्स हैं कलरफुल। अच्छा किसी ये अंदाजन कुछ आइडिया है कि किस तरह दे रहे हैं? ये 20 का पीस है मैडम, 20 का ये एक पीस होता है जी। इसमें भी ऐसे ही है, प्लेन में 15 का एक पीस है। ठीक हो गया सर। और इसकी ब्लेंडिंग स्टैंप है, इसके तीन नाम है, स्मजिंग टूल भी कहते हैं इसको, इसको ड्राइंग पेपर पेन भी कहते हैं, क्रेले कलर, ऑयल कलर और गौचे कलर, ये सारे आपको मिल जाएंगे। सारे आपको यहाँ नाइफ सेट के सिंगल टूल होते हैं, जैसे ये 5 का टूल सेट होता है। ठीक हो गया। इससे ऊपर क्ले टूल्स हैं, वो भी क्ले टूल्स हैं फाइन में है। इलेक्ट्रिक कार्विंग टूल होता है जिसे आप वुड के ऊपर लिखते हैं कुछ, ये जाली रोल है। इसके साथ ये पिगमेंट लाइनर्स हैं, ये आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वहाँ पे कांच बना देगा। जैसे कपेसेस होते हैं, ये शेल्स होते हैं जी, बड़े छोटे और जो है ना इसमें स्टाइल वाले होते हैं वायर्स है मैम। इसके साथ आपके साथ ये ग्लास, ये गोल्डन वायर्स हैं और ये फिश वायर्स होती हैं। इसी का सारा जो है ये कैलीग्राफी में यूज होने वाले पेन है, ये कैलीग्राफी के पेन है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज फिर हम मौजूद हैं UBN पे उर्दू बाजार मॉल, जहाँ आपको तकरीबन तमाम आर्टिकल्स की ह्यूज वैरायटी मिलने वाली है। और इनकी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, मेरी प्यारी सी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इनके फाइन आर्ट के डिपार्ट की जो है वो डिटेल वीडियो जो है आप बना लें। इसके लिए मैं आज लाहौर आई हुई हूँ, तो व्यूअर्स आपके लिए एक डिटेल वीडियो फाइन आर्ट्स की। मेरे पीछे आपको जो है आर्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे, चले डिस्कस करते हैं कुछ आर्टिकल और उनके प्राइस। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। चले जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने आपको यहाँ से जो है ना स्टार्ट किया है, इनका जो है आर्टिकल दिखाने भी, हमें प्राइस भी मालूम करते हैं। तो चले आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ लगता है स्टूडेंट्स आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं जी? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट फाइन आर्ट्स के? नहीं, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। जबरदस्त जी, गुड। अच्छा बताइए, यहाँ से आप फाइन आर्ट से रिलेटेड चीज़ें लेने आते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग इसी दुकान से मोस्टली अक्सर सामान उठाते होते हैं। ज़्यादातर पेंसिल्स वगैरह होती हैं, और जो हमारे ड्राइंग बोर्ड वगैरह हो गए, शीट्स वगैरह होती है, तो वो हम इधर ही शॉप से आके लेते हैं। तो बेटा बताइएगा, आपको यहाँ की प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज कैसी लगती हैं? तो क्वालिटी वाइज भी इनके पास काफी अच्छा सामान है, और प्राइस की रेंज के हिसाब से भी ना काफी इनका। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपना। चलें जी हम आगे चलते हैं, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और प्राइस मालूम करते हैं भाई से। साथ जो है ना वो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के एक मेंबर मौजूद हैं, तो हम उनसे मालूम करते हैं। अच्छा ये क्या चीज़ें हैं? ये फूल के फ्लावर हैं, और ये बीड्स होते हैं ABC में, 1, 2, 3 में, इसी तरह ये फ्लावर। अच्छा, कुछ अंदाज़ा है ये मतलब आर्टिकल ये पैकेट वाइज जो लगे हुए हैं, डिफरेंट प्राइस ही होंगे जाहिर है? जी मैम, हमारे की डिफरेंट प्राइस है। ठीक हो गया जी। और ये पॉम पॉम्स आ गए? ये पॉम पॉम्स हैं, ये इसी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट में बीड्स यूज होते हैं। ये जो आपके हैं इसको हम मेटल वायर कहते हैं। अच्छा अच्छा, मेटल ये ज्वेलरी वायर भी कहलाती है। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल जो है ना, आर्टिफिशियल आ गया सारे यहाँ पर। फ्लावर्स मिल जाएंगे आपको, ये देखिए, ये क्लोज व्यू दूँ, ये आर्टिफिशियल बीज बनी हुई है यहाँ पर आपको, जो ये सारा जो है ना ये फॉर्मिक कटिंग में या ये फेल्ट कट है, ये फेल्ट कट फ्लावर होते हैं। ठीक हो गया। फेल्ट पीसेस होते हैं, फेल्ट पीसेस हैं ये फेदर्स हैं, कलरफुल जी, कलरफुल जी। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स व्यूअर्स मिलने वाले हैं। ये पेन वगैरह के ऊपर आप यूज करते हैं, जो फैंसी पेन, निकाह पेन वगैरह लगाते हैं। जबरदस्त जी, यानी यहाँ से जो है ना अगर कोई बहने घरों में ऐसा काम करना चाह रही है तो उनके लिए भी आसानी है, स्टूडेंट के लिए तो है। ये क्या चीज़ है सर? ये रिबन है। अच्छा अच्छा, रिबन है। ये ऐसे लग रहा है जैसे जाली है, लेकिन ये जाली नहीं होती, ये सिंपल रिबन होता है, जैसे ऊपर टॉप फोल्ड किया हुआ है। ठीक है जी हाँ, ऐसे ये इसको बाइंड ऐसे किया हुआ, ऐसे लग रहा है जाली। ये बटन्स आ गए, यहाँ पर भी जो कुछ आर्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे, स्मॉल जो है फ्लावरिंग के लिए या डेकोरेशन के लिए आर्टिकल्स,
इसी तरह अगर यहाँ हम चेक करें, ये देखें इसमें भी आपको ऐसी ही चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर बीड्स बटन वगैरह आ गए। चलें आगे चलते हैं, आगे भी हम कुछ आर्टिकल्स के प्राइस इनसे डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, कलरफुल रिबन के साथ ये डोरी बनाई हुई है जी, ये रिबन, ये डोरी और जैसे मकरामा डोरी होती है, ये फैंसी डोरी होती है सिल्की में। ठीक हो गया जी। अच्छा, और ये चीज़ जो है ना, ये फ्लावर्स के सेंटर में स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं रिबन के या क्या हो तो उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये फैंसी रिबन है, ये फैंसी रिबन आ गया व्यूअर्स। और ये चेक कीजिएगा, ये जैसे ये गूगल आइज़ हैं, छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, आप कोई वो बनाते हैं तो उसके लिए आप जो है ना गूगली आइज़, यहाँ पर आपको मिरर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट उसमें मिल जाएंगे। ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, हो गया। अच्छा, ये कलरफुल हैं आइसक्रीम स्टिक्स जी, ये छोटे आइसक्रीम स्टिक्स हैं कलरफुल। अच्छा, इसी में अंदाजन कुछ आइडिया है कि किस तरह दे ये 20 का पीस है मैडम, 20 का ये एक पीस होता है जी। ठीक हो गया। और प्लेन में भी ऐसे ही है, प्लेन में 15 का एक पीस है। ठीक हो गया। और इसी तरह बड़े में है, ये 25, ये 30 का कलर में और ये 25 का। व्यूअर्स, इसके बहुत खूबसूरत से जो है ना डेकोरेशन पीस बनते हैं। और ये चेक कीजिएगा, ये भी आपके टूल्स, ये ब्लेंडिंग स्टैंप है, इसके तीन नाम है, स्मजिंग टूल भी कहते हैं इसको, जी जी जी, इसको ड्राइंग पेपर पेन भी कहते हैं। ठीक हो गया। और ये जो साथ में लगे हुए हैं, ये वाटर पेन है। ठीक हो गया। और चले जी, ये सर कुछ आइडिया है ब्रश सेट कितने का है? ये 1100 का मैम जी। अच्छा जी, जबरदस्त था, आपको क्वालिटी जो है ना व्यूअर्स यहाँ से नजर आ रही है। इसमें एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर और गौचे कलर, ये सारे आपको मिल जाएंगे, सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर इनके ये टूल्स हैं सारे जी। ये स्क्रैपर टूल है लेफ्ट से जी, ये ऊपर टूल्स आ गए। और ये क्या है सर? ये जो पैलेट नाइफ सेट के सिंगल टूल होते हैं, जैसे ये 5 का टूल सेट होता है। ठीक हो गया। और इसी में आपको ये स्मॉल वाला टूल सेट मिल जाता है, ये वुड में है और ये फाइन क्वालिटी में क्ले वाले टूल्स है। ये चेक, ये प्लास्टिक में है, मैं क्लोज व्यू दे रही हूँ, ये वाले प्लास्टिक में जी, ये प्लास्टिक में होते हैं ये दोनों वाले। ठीक। तो इससे ऊपर क्ले टूल्स हैं, वो भी क्ले टूल्स हैं फाइन में, और वुड कार्विंग टूल है ऊपर जो है ये। अच्छा, ये क्या चीज़ है रेड में जो नजर आ रही है? ये जो है इलेक्ट्रिक कार्विंग टूल होता है, जिसे आप वुड के ऊपर लिखते हैं कुछ चीज। ठीक हो गया, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल। ये नियॉन कलर्स होते हैं पेंसिल में, जंबो कलर्स हैं। ये जाली रोल है, इसके साथ ये पिगमेंट लाइनर्स हैं, ये वाइट चॉकलेट स्टिक्स हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको जो है वीडियो में नंबर दे दूंगी इनका, नंबर पर जो है आप कॉल करके या मैसेज छोड़े, ये लाइनों कट टूल तुम्हें आपको जो है ना, ये तकरीबन यहाँ जितने आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं ना, इनके प्राइस, ये क्या चीज़ें सर? ये मैडम रेजिंग शील्ड कहते हैं इसको। ठीक हो गया। ये किस यूज में आ रही होती है? ये इलेक्ट्रिकल, इसके इलेक्ट्रिकल के लोग भी यूज़ करते हैं इसको, इंजीनियरिंग के लोग भी यूज़ करते हैं और ड्राइंग वाले भी यूज़ करते हैं। सारे टूल्स मैंने तकरीबन आपको जो है ना हर तरह की यहाँ पे आपको वैरायटी मिलने वाली है। और ये नोचा टूल है। ठीक हो गया, ये वाला ना, ये नोचा टूल है, जिससे आप जो है ना कपड़ों के ऊपर जैसे काज बनाए जाते हैं। अच्छा। स्टिचेस को फोल्ड करते हैं, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वहाँ पे काज बना देगा, जैसे कपड़ों के ऊपर बनाते हैं मैनुअल काज, यानी आप हैंड से और सिंपल सी मशीन व्यूअर्स आपके हाथ लगे। और इसमें आइडिया है कुछ कितने तक? इसमें इतनी टाइप के जो है ना ये मशीन्स होते हैं, इनके सबके नंबर अलग अलग लिखे होते हैं। अच्छा, इसके हर एक के पर्पस अपने अपने। वैसे भी व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि इनकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो अपनी होती है। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये तमाम जो है ना डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए जो आर्टिकल यूज हो रहे होते हैं तमाम है। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट प्राइजेस हैं जी मैम, इसमें तीन साइजेस होते हैं, ये शेल्स होते हैं जी, बड़े छोटे और जो है ना इसमें स्टाइल वाले होते हैं, ये वाले शेल्स हैं जी जी, ये ग्रेवल है, इसमें कलर वाले ग्रेवल्स होते हैं और इसमें जो है ना सिंपल वाले ग्रेवल्स हैं। ठीक हो गया जी। और ये वायर्स आ गए, ये वायर्स आ गए, ये सिल्वर वायर्स है मैम। ठीक हो गया। इसके साथ आपके साथ ये ग्लास, ये गोल्डन वायर्स हैं और ये फिश वायर्स होती हैं, ये दो टाइप की हैं हमारे पास। ठीक हो गया। इसमें जो है ना साइज और लेंथ के हिसाब से, उसके एमएम के हिसाब से होती हैं। ये देखें व्यूअर्स, एक बार फिर आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, ये कैलीग्राफी का सारा जो है, ये कैलीग्राफी में यूज होने वाली पेन है, ये कैलीग्राफी के पेन है। ठीक हो गया जी। ये भी कैलीग्राफी पेन है, ये होल्डर के साथ कैलीग्राफी है, ये भी कैलीग्राफी होल्डर्स हैं, ये भी और ये जो है ना कलम के साथ। आपको यहाँ पर एक एक वर्क के लिए जो है ना बेतहाशा वैरायटी मिलने वाली है, बहुत खूबसूरत से आर्टिकल्स मिलने वाले हैं, मेटल में, प्लास्टिक में, वुड में, आपको तकरीबन हर तरह के आर्टिकल यहाँ पर। ये देखें कितना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा ब्रश सेट है। और यहाँ पर ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। चले जी आगे चलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
यहाँ पर जो है ना आपको ये स्टेंसिल शीट्स मिल रही हैं, जिसके जरिए जो है ना आप हर तरह का जो है ना कैनवस बोर्ड रेडी एक तरह से बस मिनटों में जो है ना आप अपना काम जो है ना इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा छोटी शीट दोबारा बता दीजिए कितने में दे रहे हैं जी? ये 85 की है। 85 पर पीस, ज़बरदस्त हो गया। देखें जी कितनी मेहनत करनी पड़े, अगर ये ना हो तो आपको कितना वर्क करना पड़े, और ये होते होते जस्ट आपने इसको रखना है और आपने कलर अप्लाई करने, ज़बरदस्त हो गया व्यूअर्स। और यहाँ पर भी आपको अगर हम दिखाएँ, बेतहाशा खूबसूरत से आर्टिकल मिलने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त से। और इसमें ये चेक कीजिएगा व्यूअर्स, और इसके क्या प्राइस होंगे भाई? 165, 185 दायरे जितना ज़्यादा रिटर्न वर्क होगा उसके हिसाब से। ये स्टेंसिल्स आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल रहे हैं, ज़बरदस्त से। चलें जी आगे चलते हैं, आप बेतहाशा वैरायटी हम दिखाने लगेंगे तो यहीं पर हमें शाम हो जाएगी व्यूअर्स। तो चलें जी, मैंने आपके तमाम जो है ना थर्मोपॉल की कटिंग उसमें आर्टिकल्स बने हुए हैं, और ये भी नहायत रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। डिफरेंट प्राइस हैं इनके भी सर? ये सब के डिफरेंट प्राइस हैं, ये पैकेट के हिसाब से होते हैं मैम। ठीक हो गया। एक का अपना जो है ना वो प्राइस है, जैसे 120 mm से लेके 20 mm तक इसका साइज है, जो बॉल्स हैं। जब हम थर्मोपॉल कटिंग कर रहे हैं, इतना जिन्होंने वर्क किया हुआ उन्होंने पता है कि बहुत 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 मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो ना आपको तैयार आर्टिकल मिल रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, यहाँ थोड़ा सा मुझे बताई गई थर्मो क्वालिटी में। अच्छा ये सॉरी दूर से मुझे लगा थर्मोपॉल डायरेक्ट में होते हैं, ये स्क्वायर में होते हैं, ये सारे के सारे। ठीक, और ये भी यही चीज़ है ब्लैक में? ये ब्लैक में फाइन क्वालिटी है, ज़बरदस्त। और ये राउंड में है, ये भी फाइन क्वालिटी होते हैं, मिल जाएंगे जी, राउंड में भी होते हैं, फाइन क्वालिटी, ज़बरदस्त। ये चेक कीजिएगा व्यूअर, अच्छा यहाँ देखें ये क्या है सर? हुक्स हैं। ठीक हो गया। ये ग्रेजुएट लेवल की होती हैं। ठीक हो गया सर। ये देखिए, ये चेक कीजिएगा, ये ग्रेजुएट स्केच बुक है, इसमें तीन किस्म की होती हैं, ग्रे होती है, ऑफ वाइट होती है, वाइट होती है। ठीक हो गया। और इसमें ये कैंसन की स्केच बुक है, फाइन क्वालिटी में है। ठीक हो गया। इसी तरह आपको मिक्स मीडिया मिक्स, अच्छा इसमें A4 मिल जाएगी, A5 मिल जाएगी, A6 मिल जाएगी, A3 मिल जाएगी। ये चेक कीजिएगा व्यूअर्स, ये आपको मैं एक्सेल में साइज और इसका नेम दिखा दिया, जिससे आइडिया हो जाएगा। ये प्रोफेशनल लेवल के जो लोग हैं वो यूज करते हैं इनको। जैसे ये है वाटर कलर कैंसन का, और जो है कस्टमर्स का रश भी हो गया है व्यूअर्स। अच्छा ये पैटर्न पेपर होते हैं, आपने जो अपनी स्क्रैप बुक्स बनानी होती है डिजाइन जी जी। आप जो स्क्रैप बुक्स बनाते हैं अपनी डिजाइन में, उसमें आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, आपको बना हुआ पैटर्न मिल जाता है। ये चेक कीजिएगा, इसमें ये स्टिकर्स होते हैं जो आप जो है ना लेदर से इसको काट के लगा सकते हैं, जबरदस्त। ये आप देख रहे हैं, जबरदस्त सी चीजें आपको मिल रही हैं, और प्राइस भी बहुत जबरदस्त है। 90 का पैकेट है मैम, 890 का, जस्ट जबरदस्त हो गया। होलसेल प्राइस में जो है ना आपको मिल रहे हैं, और जो जो डिमांड कर रहे थे ना कि हमें तकरीबन तमाम आर्टिकल, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको तकरीबन तमाम आर्टिकल यहाँ पर दिखा दिए जाएं। चले आगे चलते हैं जी, ये चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज में स्केच बुक्स मिल रही हैं, और नहायत रिजनेबल प्राइस में आपको कम से कम पेजेस वाली भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये देखें साइज आप देख लें, हर टाइप की जो है ना आपको यहाँ पर ये देखें स्केच बुक मिलने वाली हैं, यूनी के स्टूडेंट के लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तमाम। और ये देखें तमाम किस्म के साइज में आपको इंच, हाफ इंच, डेढ़ इंच, सवा इंच, तमाम आर्टिकल्स में आपको जो है ना रिबन्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पर चाहिए क्या है, इनके पिगमेंट्स हैं, और ये जो है ना पाउडर है, मेकअप पाउडर, मेकअप पाउडर। और अच्छा इसको आप यूज़ करके मेकअप पाउडर में, ओके रेजन में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ है सर? ग्लिटर टेप है, ग्लिटर टेप, डेकोरेशन टेप होती है। अच्छा टेप के ऊपर ही ये सारा बना हुआ है, फ्लावर्स वगैरह पेस्ट हुए हैं। ठीक हो गया। ग्लिटर है, इसके पैकेट बने होते हैं 24 पीसेस की। अच्छा इसमें भी कलर में है ग्लिटर, डिफरेंट कलर में। ओके जी, जबरदस्त हो गया व्यूअर्स। तो चलिए आगे चलते हैं, ये सारे आर्टिकल्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ जी। सर बताइएगा ये क्या है? ये मैम कटिंग मैट है, ये A4, A3 और A2 में मिलते हैं फिल। ठीक हो गया। इसमें इसके ऊपर आप कोई भी किसी किस्म की कटिंग जो है वो आप कर सकते हैं,
डिजाइनिंग वाली जितनी कटिंग्स होती हैं वो इनके ऊपर होती हैं, पेपर कटिंग कर सकते हैं, कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं, यानी इससे सारी जो है ना मेजरमेंट हुई हुई है, आपने जस्ट जो है ना इसको अप्लाई करना होता है, ठीक हो गया। इसको नीचे रखना है ताकि आपकी जो है ना सरफेस जिसके ऊपर आप काट रहे हैं वो सरफेस खराब ना हो, टेबल खराब ना हो, ठीक हो गया। और आपको दूसरा ऑप्शन इसका ये मेजरमेंट जो है ना आसानी से मिल जाती है, बजाय इसके बार बार इसको मेजरमेंट के लिए रखें, ये जो है ना स्केल जो है ना ऑटोमेटिकली इस पे बना हुआ होता है, आप इस पे रखें और चीज काट सकते हैं। अच्छा चलें इधर चलते हैं, मुझे ना थोड़ा सा पोस्टर कलर्स नजर आ रहे हैं उनके भी हम प्राइस मालूम करते हैं, और चलें जी इधर आ जाते हैं। ये मैम ऑयल कलर है, मैरिज के हैं। अच्छा ऑयल कलर, और ये 140 फॉर ईच है, 140 का जी, 140 फॉर ईच, जबरदस्त। ये चेक कीजिएगा व्यूअर्स, और ये कितना है, 50 ml, ये 50 ml होता है, जबरदस्त। ये देखें अच्छी खासी ट्यूब है, और यहाँ पर जो है ना इनके नंबर मेंशन हुए हैं कलर्स के अकॉर्डिंग जो भी इनके होंगे। ये देखें जी ये हो गया, और इसके अलावा भी आपको कलर में जो है वो बेतहाशा वैरायटी यहाँ मिलने वाली है। यहाँ भी कलर्स पड़े हुए, ये में मुख्तलिफ किस्म के मार्कर्स हैं, डिग्री पेंसिल सेट है, ठीक हो गया। ये डिग्री पेंसिल सेट्स हैं, ये सारे, ये चारकोल स्टिक्स हैं, ये क्लच पेंसिल्स हैं सारे, 0.5 एंड 0.7 में ये भी क्लच पेंसिल्स हैं, ये उनकी लेड्स हैं, ठीक ठीक। और ये नीचे एक्रेलिक जो है ना, ये नियॉन कलर्स हैं जो फेस के ऊपर भी अप्लाई होते हैं और ग्लोइंग इन द नाइट होते हैं। अच्छा। रात के टाइम ये चमकते हैं, जबरदस्त हो गया व्यूअर्स, अच्छी सी चीजें हैं। इसके बाद एक्रेलिक मार्कर्स हैं, ठीक हो गया। ये नीचे वैक्स है, इसको बी वैक्स कहते हैं जिससे आप कैंडल्स बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बी वैक्स यहाँ पर मिल रही है व्यूअर्स आपको। ये ब्लो पेन है, ब्लो पेन जिसको बोलते हैं, ये जो है ना इससे डिजाइन बनाए जाते हैं। ये नीचे कलर पैटर्न पेपर है, ठीक हो उसके गया। उसके बाद ये सारी जैसो हैं, और इसके ये फ्लोरल टेप होती है, ठीक है जी। ये आपके जो है ना ब्रश पेन्स हैं, ये मेटल पेन है, और ये वाटर कलर जो है ना वो हैं। तकरीबन आपको जो है ना यहाँ पर तमाम वैरायटी मिल रही है। थोड़ा सा हम उस पोर्शन की तरफ भी मूव करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं जी क्या वैरायटी यहाँ पर हमें शो हो रही है जी, बताइएगा थोड़ा सा। ऑयल कलर्स हैं, अच्छा। ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं इसमें, ठीक हो गया। ये चेक कीजिएगा, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ, ये चेक कीजिएगा, पूरे पूरे बॉक्स हैं इनके। ये नीचे फैब्रिक कलर्स हैं, अच्छा ये सबसे नीचे फैब्रिक कलर्स हैं, ये चेक कीजिएगा व्यूअर्स। यहाँ पर आपको ऑयल पेंट के अलावा फैब्रिक में भी जो है ना निहायत जबरदस्त कलर्स वैरायटी मिलने वाली है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, और यहाँ पर भी जो है ना एक्रेलिक पेंट्स हैं, और ये वाटर कलर्स हैं। अच्छा ये वाटर कलर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखें जबरदस्त बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। ये तमाम जो है ना ये चेक कीजिए, यहाँ से ये भी देखिए, ये विंसेंट ड्यूटर के मिस कलर्स हैं, इसके साथ डेलोनी के हैं, ये वाटर कलर है सारे, ठीक ठीक ठीक। इसमें ग्लास कलर है नीचे, और लेफ्ट साइड पे आप आ जाए, ये फॉइल जो है ना पेंट्स हैं। अच्छा, उसके साथ भी मिल रहे हैं जी, फॉइल पेंट होते हैं, ये गोल्डन व्हाइट एंड सिल्वर में होते हैं। ये चेक कीजिएगा व्यूअर्स, यहाँ से आपको ओवरव्यू दिया मैंने, और ये गुटे है जो कपड़ों के ऊपर आप डिजाइनिंग वगैरह करते हैं उसके लिए। अच्छा, ये चीजें भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल, ये डबल मार्कर है। यानी जितना भी फाइन आर्ट से या डेकोरेशन से रिलेटेड चीजें अगर आपको चाहिए व्यूअर्स, तो यहाँ से आपको जो है ना ये तमाम चीजें जो है जी आप बताइएगा। ये सॉफ्ट पेस्टल कलर्स हैं, ये जो है ना डिफरेंट जो है ना इनकी जो है ना स्पेसिफिकेशंस हैं, 12 से लेके ये 64 तक मिल सकते हैं। ये टीटी के ऑयल कलर्स हैं और पेस्टल कलर्स हैं, ये चेक कीजिएगा व्यूअर्स, जबरदस्त। आगे चलें जी। जी सर ये क्या चीजें हैं सर? मैम ये फोम ब्रशेस हैं, इसमें 3 साइज होते हैं, ठीक हो गया। ये निकलो 3 इंचेस। अच्छा ये पेंट के लिए यूज हो रहे हैं जी, ये पेंट स्पंज ब्रश कहते हैं इनको सारों को, ये फोम ब्रश है, ये क्ले टूल है, ये पॉटी टूल कहलाता है, और ये ग्लिटर जो है ना फ्लावर्स हैं, उनके पैकेट होते हैं पूरे पूरे, ये डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और ये क्या चीज है सर? ये स्ट्रिप्स हैं, क्यूलिंग स्ट्रिप्स, इसके फ्लावर बनते हैं जैसे ये इसके ऊपर बना हुआ है। ये चेक कीजिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर आपको इनके ऊपर बने हुए नजर आ रहे हैं, ये फ्लावर बना हुआ है बहुत खूबसूरत, इस तरह क्यूलिंग स्ट्रिप्स के साथ, ये क्यूलिंग टूल के साथ बनते हैं, ठीक हो गया जी। और ये नीचे, और नीचे जो है ना आपको बाइंडर थिनर और ये सब बॉटल्स पड़ी हुई नजर आ रही होंगी, ठीक हो गया। और ये क्या चीज है सर? ये रोलर होते हैं, पेंट रोलर, ये भी पेंट के रोलर होते हैं, ठीक है। ये तमाम जो है ना आपको ब्रशेज और इनके पेंट की, ये कलर मिक्सिंग पैलेट है, ये ब्रश होल्डर होता है, ठीक हो गया। ये
ये वार्निश है अच्छा। जो आप पेंटिंग करने के बाद आप इसको अप्लाई करते हैं ऊपर ताकि आपकी पेंटिंग खराब ना हो, ठीक हो गया। ग्लो और ये टर्पेंटाइन थिनर और बाकी चीजें हैं, ये मॉडलिंग पेस्ट है प्लस ये पोरिंग मीडियम है इन फ्लोरेसेंट में, और फिक्सेटिव स्प्रे पड़े हुए हैं इधर, पोरिंग मीडियम और दूसरी चीजें भी इधर ही हैं। ये मैडम मोल्ड्स हैं एक्रेलिक के लिए, इसके रेजिन के लिए जो मोल्ड होते हैं जी 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 जी, अच्छा। ये वुडन स्लाइसेस हैं जिनको आप जो ना वुडन पीसेस भी कहते हैं, जिससे रेजिन के साथ आप जो ना जी हाँ और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए छोटे में भी मिल रहे हैं जी, और बड़े प्यारे प्यारे से और बड़े पीस भी मिल रहे हैं यहाँ पर, क्लिप्स भी हैं ये। और ये क्लिप्स आ जाएंगे आपके पेपर्स वगैरह को आप वर्क कर रहे हो तो इजीली जो है ना बाइंड करके कर सकते हो। और ये नीचे भी जो है ना इनके इसी तरह आर्टिकल आ रहे हैं जिनको आप क्राफ्ट पंच कहते हैं, ठीक ठीक। पेपर के ऊपर आप किसी भी किस्म की जो है ना कटिंग करके इसको 3D में आप बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये आ गई है जी इनकी स्टिक्स, ये बैम्बू स्टिक्स हैं, ठीक। और ये रेजिन है, एपॉक्सी रेजिन, ठीक। ये सेट होते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है ये कुछ स्टेंसिल्स भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। व्यूअर्स आगे चलते हैं, कुछ कलर्स जस्ट देखते हैं और फिर हम जो है ना वीडियो वाइंड अप करते हैं। व्हाट्सएप जी मैडम, ये सिल्क कलर्स हैं। अच्छा, कलर। जी इसके जो है ना आपके सामने ये काफी सारे डिफरेंट कलर्स हैं, ये इनके टोटल रेंज जो है ना ये सिल्क की है। और ये चेक कीजिएगा, ये सारा जो है ना राउंड अबाउट जाते जा रहे हैं, ग्लिटर ग्लू है इसमें भी है, ग्लिटर ग्लू है, जबरदस्त हो गया। और ये पोस्टर ये कलर आ कलर्स हैं, ये देखें जी, ये ओमेगा के हैं और ओमेगा के ये एक्रेलिक कलर्स हैं, ये बड़ी बॉटल में है 250 ग्राम 250 ml में होते हैं। और ये नियॉन इनके क्या होंगे कुछ आइडिया? ये 440 का ही बड़ा वाला, ठीक हो गया। ये नियॉन में होता है, ये भी नाइट इन द ग्लो होते हैं, ठीक ठीक। और ये एक्रेलिक कलर है, मैरिस के हैं, जबरदस्त। और ये भी सिल्क में है, ऊपर जो पड़े हैं ये सिल्क है जी, ये सारे सिल्क हैं जी, ये सिल्क हो गया। और ये नीचे ये कैलीग्राफी जो है ना, हम जो इंक यूज करते हैं वो इंक है, कैलीग्राफी इंक है, ये यहाँ से लेके ये सारी कैलीग्राफी इंक कलर्स, ये सारे जो है ना व्यूअर्स ये चेक कीजिएगा, कैलीग्राफी कलर सारे पड़े हुए, ठीक हो गया। ये कैलीग्राफी और ये पोस्टर कलर्स हैं पेंटल के, अच्छा ये पोस्टर कलर्स आ गए। ह्यूज वैरायटी है व्यूअर्स, आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, बेतहाशा वैरायटी। ये मैरिज के एक्रेलिक कलर हैं, वो सकुरा के कलर्स हैं जी जी, कलर्स आ गए जी, ये ग्लास कलर्स की वैरायटी। अच्छा ये नीचे जो है ना बॉक्सेस में भी मिल सकते हैं, और अच्छा अगर कोई वन पीस टू पीस लेना चाहे तो वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, जबरदस्त हो गया जी। सर इनके बारे में बताइएगा जरा मैम, ये एक्रेलिक ट्यूब्स हैं सारी, और इनके डिफरेंट कलर्स और इनके शेड लगे हुए हैं, ये सब 3-4 ब्रांड में है। नीचे जो है ना सारा दिखा रही हूं, यहां आपको डिफरेंट ब्रांड्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे और तकरीबन तमाम कलर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अंदाजन कहाँ से स्टार्ट होती है ये ट्यूब्स आपकी? ये 210 से मैम स्टार्ट हो रही है, 210 से स्टार्ट हो रही है, फिर ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड है तो डिफरेंट प्राइस होते जाएंगे, लो ब्रांड लो प्राइसेस, हाई ब्रांड हाई प्राइसेस। यहाँ पर भी अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखें, ये आर्टिकल भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी जी। ये मॉडलिंग क्ले है सारी, ठीक हो गया जी। ये इनके स्टेंसिल्स हैं, ये क्ले नीचे देखें, ये पॉलीमर क्ले है, नीचे मॉडलिंग क्ले है, अच्छा अच्छा। और ये देखें जी, लास्ट में मैंने आपको चेक करवा दिया, बहुत शुक्रिया भाई आपने इतना सारा टाइम दिया हमें जी। व्यूअर्स आपको वीडियो यकीनन बहुत पसंद आई होगी, तो दो में याद रखिएगा और कमेंट्स किया करें ताकि हमें आइडिया हो, जैसे मेरी बहन ने कमेंट्स किए थे, और उनकी कमेंट्स के बेस पर जो है मैं आपके लिए ये एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई फाइन आर्ट से रिलेटेड, जिसमें कुछ आर्टिकल दिखाने जो है ना वो मिस हो गए होंगे, तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था। तो जिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी उनकी डिमांड पर जो है मैंने आपके लिए ज़बरदस्त सी वीडियो शूट कर दी, यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। दो में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट लाजमी किया करें। दो में याद रखिएगा, अल्लाह आप सबका हमीर नासिर है, अल्लाह हाफिज़।